नमस्कार, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन राशि एवं लग्न वाले जातकों को माणिक्य रत्न माला माल कर सकता है और किन राशि एवं लगन वाले जातकों को माणिक्य बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, रत्न एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। किसी भी रत्न को डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए। किसी भी रत्न को पहनने से पहले योग्य व्यक्ति को अपनी जन्मपत्री दिखाएं, अपना हाथ दिखाएं, उसकी सलाह लें, उसके बाद ही आपको रत्न पहनना चाहिए। तो यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आप माणिक रत्न पहन सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, चक्कर काटते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे सौरमंडल के लगभग 96% हिस्से में अकेले सूर्य हैं, 4% हिस्से में टोटल सारे ग्रह आते हैं। तो सूर्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, आत्मा के कारक हैं। आत्मा जगतस्तस्थु खश्च, वेद भगवान कहते हैं। तो सूर्य का रत्न व्यक्ति को यदि अनुकूल हो जाए, सूट पड़ जाए, तो व्यक्ति राजाओं के जैसी जिंदगी जी सकता है। सरकारी नौकरी में माणिक रत्न बेहद सहायक है। यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। और मित्रों, यदि आपका संबंध अधिकारियों से है, सरकारी अधिकारियों से आपका काम धाम रहता है, तो निश्चित रूप से वहाँ भी आपको माणिक्य काफ़ी सहायता करने वाला है। सिर संबंधित बीमारी में और एनर्जी लेवल के कम हो जाने पर भी माणिक्य रत्न व्यक्ति को धारण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किन किन राशि एवं लगन वाले जातकों के लिए माणिक्य शुभ रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए तो माणिक संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि लगन का रत्न हमेशा ही व्यक्ति को धारण करना चाहिए। कभी भी लगन के रत्न को नहीं उतारना चाहिए, वह आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। और निश्चित रूप से वह सुरक्षा कवच आपकी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करता है। तो यदि आपका सिंह लग्न है या आपकी सिंह राशि है, तो डेफिनेटली आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। मित्रों, दूसरे नंबर पे आती है तुला राशि। यदि आपकी तुला राशि है तो आपके 11वें स्थान में पड़ती है सिंह राशि, तो आपके आय स्थान के स्वामी हैं, आपके इनकम के स्वामी सूर्य हैं। माणिक रत्न धारण करने से आपकी सभी प्रकार की आय बढ़ेगी। मित्रों, दूसरे नंबर पर आती है वृश्चिक राशि। यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो भी आपके भाग्य स्थान के 10वें स्थान के स्वामी सूर्य हैं। माणिक पहनने से आपका क्राइटेरिया बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपके रुके हुए कार्य अचानक से ही बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए आपको पिता से सहयोग प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, राजनीति में अच्छा कैरियर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को माणिक रत्न अवश्य पहनना चाहिए। और माणिक रत्न हमेशा भारी होना चाहिए। नीलम है, पुखराज है और रत्न हल्के पहने जा सकते हैं, लेकिन सूर्य की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो माणिक रत्न हमेशा ही 7 रत्ती से कम नहीं, कोशिश करें 9 या 11 रत्ती का माणिक धारण करें। मित्रों, चौथे नंबर पर आती है धनु राशि। यदि आपका धनु लगन है तो भी आपके 9th हाउस 9वें घर के स्वामी होते हैं सूर्य, आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य हैं। माणिक रत्न धारण करने से निश्चित रूप से आपके भाग्य का उदय होगा। तो मित्रों, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु, इन 4 लगन वाले जातकों के लिए माणिक बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। या बाकी लगन के जो जातक हैं, बाकी जो राशि के जातक हैं, उनके लिए माणिक एक्सपेरिमेंट का विषय है। यदि आपको माणिक रत्न धारण करने की इच्छा है, अंदर से आपका मन कह रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, आप शोध कीजिए, ज्योतिषियों की सलाह लीजिएगा, पूजा तपस्या के बल से हो सकता है आपको सूट कर जाए। तो मित्रों, यह थी माणिक रत्न के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। वीडियो को लाइक करें,